नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, इस स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 1252 का एंड इस स्टॉक का प्राइस आज 13% के आसपास और मूव के बाद क्लोजिंग दिया है। देखिए, स्टॉक का प्राइस अभी ऑलरेडी उसका पैराबोलिक मूव आ गया है। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे FII एंड DII दोनों यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं, लेकिन इस स्टॉक को आपको फ्रेश बाय नहीं करना है। क्यों बाय नहीं करना है, जो कि आगे हम चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स या नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए, सेल्स ग्रो कर रहा है एंड नेट प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, लेकिन इसको टच अभी के लिए नहीं करना है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि क्यों टच नहीं करना है। जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है कोचिन शिपयार्ड का, टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। देखिए, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था ईयर 2018 में। उसके बाद देखिए, जो मॉल्टियर का रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था 2023 में। एक बार अटेम्प्ट करने के बाद पुल बैक किया, उसके बाद 2023 में प्राइस यहाँ पे मॉल्टियर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया एंड मॉल्टियर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद देखिए, प्राइस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस देखिए अभी उसका पैराबोलिक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। पैराबोलिक मूवमेंट मीनिंग है कि विदाउट कंसोलिडेशन में प्राइस ऊपर जा रहा होगा। इस टाइप का मूवमेंट तभी आता है जब स्टॉक का प्राइस इधर टॉप के आसपास होगा, नहीं तो बॉटम के आसपास होगा। एग्जैक्टली देखिए, प्राइस यहाँ पे बेस कंस्ट्रक्ट किया था एंड यहाँ पे एक छोटा सा बेस बनाया है एंड यहाँ पे देखिए पैराबोलिक मूव स्टार्ट हो गया है। जब भी प्राइस पैराबोलिक मूव दे रहा होगा ना, आपको वहां पे फ्रेश एंट्री नहीं करना है। अगर आपके पास है, नो डाउट आपको होल्ड करना है, आपको और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है कि प्राइस पैराबोलिक मूव एंड होते होते शायद यहां से भी और 30-40% ऊपर चला जाएगा, लेकिन फ्रेश एंट्री का मौका आपको नहीं देगा। अगर फ्रेश एंट्री करेंगे, आपके लिए रिस्क बड़ा बन जा रहा है, क्योंकि जो प्रीवियस लो है ना, जो कि बन रहा है बिलो 707, उसके नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस के साथ आप काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री अगर करना है तो एक बार स्टॉक का प्राइस को पुल बैक करना पड़ेगा, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 750 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 750 को टेस्ट करेगा किसी भी मार्केट का बैड कंडीशन के ऊपर, तो अभी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए करंट लेवल के ऊपर फ्रेश एंट्री मत कीजिएगा। लेकिन जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, उनको बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। उसके साथ जो ट्रेंड का यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो स्टॉक का प्राइस के लिए मेजर सपोर्ट बन रहा है नियरली 890 या 900 के आसपास। जो पहला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 900 मिनिमम, तो स्टॉक का प्राइस को एक बार 900 तक पुल बैक आने दीजिएगा, जो कि स्टॉक का प्राइस के लिए मोमेंटम ट्रेंड लाइन बन रहा है। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एंट्री कीजिएगा, करंट प्राइस के ऊपर नो। जिनके पास है नो डाउट होल्ड करना है एंड पैराबोलिक रैली का मजा लेना है एंड हमेशा से क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर अभी हम राशो चार्ट देखेंगे, कोचिन शिपयार्ड वर्सेस निफ्टी 500 का राशो चार्ट, देखते हैं कि राशो चार्ट में किस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है। देखिए, राशो चार्ट भी यहाँ पे उसका मॉल्टियर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है एंड यहाँ पे फर्दर आउट परफॉर्मेंस भी आ सकता है, लेकिन फ्रेश एंट्री पुल बैक में, जो कि 900 के आसपास, नहीं तो 750 के आसपास। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।